तो चार्ज करने पे आप इसके ऊपर कितने किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं, उसके अलावा इसको कौन कौन चला सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बाइक का रिव्यू। तो आज बेसिकली जो कि ये रिव्यू बना रहे हैं यूनाइटेड की 100 cc स्कूटी है और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके जो कि मतलब एक मतलब चार्ज करने पे आप इसके ऊपर कितने किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं, उसके अलावा इसको कौन कौन चला सकता है। चलाने को तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसको कोई भी चला सकता है, मगर ये है कि बेसिकली बनी ये फीमेल्स के लिए और बच्चों के लिए। तो बाइक का रिव्यू स्टार्ट करते हैं चलें। तो अगर इसके फ्रंट लुक की बात करें तो इसके फ्रंट लुक में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप इसके फ्रंट लुक की तरफ देख सकते हैं। इसके फ्रंट लुक देखें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इस तरह जैसे एलियन की शेप होती है वैसे इसका जो कि फ्रंट लुक है। फ्रंट लुक में एक मेरे ख्याल में कार्टून भी आए थे, अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा कि उस कार्टून का क्या नाम था, मगर इसका जो कि हेड है ये मतलब बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसा ही है। उसके अलावा अगर इसके यहाँ पे ऊपर देखें हेडलाइट की जगह, ये बेसिकली हेडलाइट नहीं है, यहाँ पे आप देखें ये आपको ना ही DRL है। तो ये बेसिकली इसके जो कि इंडिकेटर हैं जो कि इसके फ्रंट जो कि ऊपर वाले हेड के ऊपर हैं। नीचे अगर इसके यहाँ पे देखें यहाँ पे जो कि आपको सिल्वर की जो कि फिनिशिंग मिल जाती है, ये आपको मैट ब्लैक में पार्ट मिल जाता है। बेसिकली इसका नाम जो कि है वाइजे फ्यूचर ग्रीन है, मैं आपको बताना भूल गया हूँ। उसके अलावा यहाँ पे नीचे देखें यहाँ पे आपको जो कि इसके DRL का ऑप्शन मिल जाता है, ये देखें और यहाँ पे ये आपको DRL का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आपको जो कि इसकी हेडलाइट मिल जाती है जो कि LED के अंदर मिलती है। उसके अलावा अगर इसके फ्रंट की तरफ देखें तो यहाँ देख सकते हैं आपको बिल्कुल छोटा सा एक टायर मिल जाता है और साथ इसका जो कि मडगार्ड मिल जाता है। तो इसके ऊपर देखें मडगार्ड के ऊपर भी यहाँ जो कि EV की स्टिकरिंग हुई है। उसके अलावा मैं अगर आपको दिखाऊं इसका जो फ्रंट टायर है इसके अंदर आपको जो कि डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। ओवरऑल अगर इसके फ्रंट टायर की बात कर ली जाए, और हाँ इसकी एक और बात बता दूँ कि यहाँ इसका जो कि टायर है ये आपको जो कि ट्यूबलेस मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर इसकी फ्रंट लुक की बात करें तो उसका फ्रंट लुक आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि मतलब इजीली चला भी सकते हैं इसको लड़कियां वगैरह, और मतलब चलाने को तो लड़के भी चला सकते हैं मगर ये बेसिकली जो बनी है ये लड़कियों के लिए ही बनी है। तो चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तक इसकी साइड प्रोफाइल की बात है, यहाँ देख सकते हैं आपको जो कि इसकी साइड प्रोफाइल में इसका फेंडर ही बोल लेंगे जो कि फ्रंट वाला है, यहाँ पर आपको EV की स्टिकरिंग मिल जाती है। नीचे जो देख सकते हैं आपको वाइजे फ्यूचर ग्रीन पावर का जो कि स्टिकर मिल जाता है। उसके अलावा ये देख सकते हैं यहाँ पे जो कि आपको स्पेस मिल जाती है, मतलब ये फीमेल्स के लिए वो इजी हो के मतलब बैठ सकती हैं, दो फीमेल्स यहाँ बैठ सकती हैं बड़े इजी हो के। पीछे आप देख सकते हैं इसको जो कि बैक रेस्ट के लिए आपको एक मिल जाता है, कैरियर भी मिल जाता है। उसके अलावा नीचे देख सकते हैं यहाँ पे मतलब अक्सर देखें मोस्टली जो कि औरतों के कपड़े वगैरह फंस जाते हैं चैन कवर वगैरह में, उसकी सेफ्टी के लिए भी यहाँ पे देखें इन्होंने कवर दिया हुआ है। उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे इसके मीटर की तरफ लेता चलूँ तो मीटर के अंदर देखें आपको एक जो कि MID डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ देखें आपको जो कि इसकी जो किलोमीटर, इसकी बैटरी और इसकी जो कि स्पीड वो आपको मिल जाती है। इसको चलाने का बहुत ही आसान तरीका है, ये देखें अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे अभी हमने सिर्फ इसका जो कि स्विच है इसको एक बार ऑन करना है, ये इसको एक मतलब ऑन किया, यहाँ मीटर पर डिस्प्ले आया तो हमने सिर्फ जस्ट रेस देनी है। ये देखें रेस देंगे, रेस देते साथ ही इसका जो कि टायर घूमना शुरू हो जाएगा, मतलब इसके अंदर कोई गियर की ज़रूरत नहीं है, कोई इसके अंदर मतलब क्लच की ज़रूरत नहीं है। ये देखें अगर मैं यहाँ से हल्की सी रेस दूँ तो यहाँ देखें इसके जो कि ये नज़र आता है कि ये इसके जो कि टायर घूम रहा है। उसके अलावा यहाँ से इसको कर देते हैं बंद। इसके अलावा अगर मैं इसकी असम्बली के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आपको जो कि 1, 2, 3 के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अंदर जो 1 है ये आपको मैक्सिमम जो इस बाइक की स्पीड है वो 60 है, तो 1 के ऊपर अगर आप इसको रखेंगे तो इसकी जो कि स्पीड मैक्सिमम इसकी आउटपुट मिलेगी आपको 60 की स्पीड से। अगर 2 पे रखेंगे तो ये 40 पे आ जाएगी, अगर 3 पे रखेंगे तो 20 पे आ जाएगी। मतलब कि फीमेल या बच्चे कोई भी अगर आपको ज़्यादा डर हो मतलब उनसे नहीं कंट्रोल होगी तो आप ये बटन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है डी और आर का, डी मतलब ड्राइव का और आर रिवर्स का। इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कि इसके अंदर रिवर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे देखें आपको जो कि इसके हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें यहाँ पे आपको हाई लो बीम के जो कि बटन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाते हैं और नीचे फिर अगेन एक हॉर्न का बटन मिल जाता है। नीचे यहाँ पे देखें आपको स्पेस काफ़ी मिल जाती है मेरे ख्याल में, ईजी हो के बैठे कोई सामान वगैरह रखना तो वो भी मिल जाता है। यहाँ पर आप देखें अपना मोबाइल वगैरह या वॉलेट वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर ईजीली रख सकते हैं। तो इसकी जहाँ तक सीट की बात है, सीट में आपको दिखाता हूँ कि सीट इसको ओपन कैसे करेंगे। इसको अगर हम सिर्फ एक मतलब लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे ये देखें ये यहाँ से सीट जो कि इसकी ओपन हो जाएगी, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो कि स्पेस मिल जाती है। मेरे ख्याल में फीमेल्स के लिए तो बहुत, उन्होंने इतना सामान तो रखना नहीं होता। और इसका एक और चीज़ आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर ये देखें आपको जो कि ब्रेकर का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप कहीं गाड़ी बाइक पार्क करते हैं तो ये आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको ऑन करने के बाद ऑफ़ करने के बाद ये दोबारा चलेगी। और यहाँ पे आपको बीच में मिल जाते हैं इसके जो कि बैक व्यू मिरर मिल जाते हैं और यहाँ पे इसके नीचे जो कि बैटरी का ऑप्शन होता है, इसको रख देते हैं दोबारा वापस ये देखें। और इसको दोबारा जब आपने इस तरह करने इसको प्रेस करेंगे तो दोबारा लॉक हो जाएगी, ये देखें दोबारा अनलॉक नहीं हो सकती। उसके अलावा इसका जो कि हैंडल लॉक का भी एक ऑप्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हैंडल लॉक में इसको ये करना पड़ता है कि इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करके आपको लेफ़्ट की तरफ टर्न लेना है तो ये इसका जो कि हैंडल लॉक हो जाएगा, ठीक हो गया।
इसका हैंडल लॉक भी बता दिया आपको मैंने, इसकी जो कि सीट ओपनर है वो भी दिखा दिया। उसके अलावा इसकी जो कि बैक व्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखें आपको जो कि इसका बैक रेस्ट मिल जाता है, साथ यहाँ पे नीचे देखें जो आपको इसकी बैकलाइट का ऑप्शन मिल जाता है, जो इंडिकेटर है इसके ये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। काफ़ी बड़े साइज़ में है, इतने तो मेरे ख्याल गाड़ी के भी नहीं होते मगर इसके काफ़ी बड़े साइज़ में है कि दूर से पता चल जाए। जहाँ तक इसके जो के बैक मडगार्ड की बात है, ये आपको प्लास्टिक में मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है मैट ब्लैक के अंदर, और जो के साइड पे इसके देखें आपको यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इसके जो के रेयर व्हील है इसको भी देख लें, यहाँ पे जैसे कि ये इलेक्ट्रिक बाइक है इसके अंदर यहाँ पे आपको जो के बैक साइड पे इसके ब्रेक का सिस्टम मिल जाता है सारा, यहाँ पे आप इसके शॉक्स वगैरह देख सकते हैं। और बैटरी की जो मैंने बात की थी वो देखें, यहाँ पे आपको जो कि अंदर फोन इसकी बैटरी मिल जाती है, यहाँ से आपको शायद नज़र आ रही होगी बैटरी इसकी, तो ये आपके इसके अंदर देख सकते हैं बैटरी का भी ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो कि सेफ गार्ड का जो कि ऑप्शन यूज़ किया गया, ये मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी का तो नहीं मगर ये कि इधर ना वज़न आना होता ना कुछ, तो ये थोड़ा अंदर ही इसलिए सेफ है, इसकी गुजारा चल जाएगा। ओवरऑल अगर इसकी बैक लुक की भी बात कर लें तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और फीमेल के लिए मतलब आसानी से चलाने के लिए ज़बरदस्त है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपको पीछे हैंडल मिल जाते हैं, जो कि ये मुझे दबाने का बड़ा मज़ा आ रहा है और जो मैंने सारे इसके बजा बजा के ख़त्म कर दिए। उसके अलावा आप इसकी साइड प्रोफाइल भी देख सकते हैं, उसके अलावा और फ्रंट लुक भी आप देख सकते हैं। मेरे नहीं ख्याल कि ये बाइक इस जो कि मौजूदा दौर है और पेट्रोल की प्राइसेज हैं उसके अंदर ये किसी भी किस्म से इसके नंबर कम होने चाहिए, मगर यह कि जो कि एक मरतबा चार्ज करने के ऊपर ये बाइक आपको 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है एक मरतबा चार्ज करने पे। इसके अलावा यह है कि आप इसको दोबारा चार्ज करके मतलब कहीं भी ले जाकर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि इसको चार्ज कहाँ से करते हैं। इसको चार्ज करने की जो कि पोर्ट है वो आपको यहाँ जो कि फ्रंट की सीट है यहाँ पर आपको नीचे जो कि इसकी पोर्ट मिल जाती है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको जो कि कंप्यूटर में यूज़ की जाती है केबल वो वाला इसके अंदर पोर्ट है, मगर ये के अंदर चार्जर है मैंने देखा नहीं बर्नल कैसा है, मगर यहाँ से आप इसको लगा के जो कि चार्ज कर सकते हैं इजीली। ओवरऑल अगर इसकी जो कि प्राइस की बात कर लेते हैं, प्राइस आपको जो कि इसकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी आप इसके ऊपर देख सकते हैं, और दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप ये बाइक परचेज़ कर सकते हैं।